कतर में जासूसी के कथित आरोप में फांसी की सजा पाए जाने वाली नेवी के 8 पूर्व कर्मचारियों और उनके परिजन के लिए राहत की खबर आई है। मौत की सजा के बाद भारत सरकार हरकत में आ गई थी। सजा के खिलाफ भारत ने कतर में अपील की थी। इसके बाद अब खबर आ रही है कि कोर्ट ने फांसी की सजा माफ कर दी है। फांसी से राहत पाने वाली पूर्ण तिवारी की ग्वालियर में रहने वाली बहन डॉक्टर मीतू भार्गव के घर संपर्क किया तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मीतू के ससुर डॉक्टर पी एन भार्गव से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने भारत सरकार के प्रयास पर आभार जताया है। भाई हम लोग तो बहुत बहुत अभिनय है कि भारत सरकार ने हमारी मदद की, हमारे केस को सुना और इनके कॉज के लिए सरकार ने पूरी एफर्ट्स की, जितना भी हो सकता था सब लोगों ने अच्छा किया। और उसके बाद हमें तो ये लग रहा है कि इनकी एफर्ट से ही ये सजा माफ हुई, गवर्नमेंट की वजह से ही, भारत सरकार की सहायता के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था संभव। अब क्या कहेंगे आप भारत सरकार को? अरे बहुत बहुत आभारी हैं साहब हम तो भारत सरकार के, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, पूरी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट पॉलिसीज के, सबके आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे भाई को एक फांसी की तख्ते से बचा लिया। पुर्णेन आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? मेरे लड़के के साले लगते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे बच्चे हैं। मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं जिसमें 4 अभी जीवित हैं। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।